हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुक कॉल पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, जो कि हमने फैमिलीज को स्टार्ट करने से पहले उसके जितने भी बेसिक टर्म्स बेसिक कंसेप्ट होंगे हम उसको कवर करेंगे। तो आज के कंसेप्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन का, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम थैलेमस, जिसमें हमने ओवरी के सुपीरियर और इंफीरियर का कंसेप्ट कवर किया था, उसके बाद हमने प्लेसेंटेशन, जिसमें ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है उसकी अटैचमेंट की बेस पे हमने उसको कवर किया था कि उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं। तो आज हमने एस्टिमेशन को देखना है, यानी एस्टिमेशन जो होती है ये फ्लोरल करेक्टिटिक्स होती है, यानी जो फ्लोरल पार्ट्स होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स आते हैं। तो जो हमारे पास सेपल्स और पेटल्स होते हैं इसकी बेस पे इसकी अरेंजमेंट क्या होती है फ्लोरल पार्ट्स में, तो इसकी अरेंजमेंट सेपल्स या पेटल्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो फर्स्ट वन हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स आर क्रोला विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन ए फ्लोरल पार्ट। जो हमारे पास फ्लावर होगा उसके अंदर कैलिक्स या क्रोला, इन दोनों की अरेंजमेंट को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो इसको हम कहेंगे एस्टिवेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन इज द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो डिफरेंट एस्टिमेशन शो करते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कि कोई भी जो प्लांट होते हैं ना उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास यही तो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं कि हम उसके एस्टिमेशन को देखेंगे, उसके प्लेसेंटेशन को देखेंगे, उसके थैलामस को देखेंगे, उसके फ्लोरल पार्ट्स को देखेंगे। तो इसी की बेस पे तो साइंटिस्ट किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये इसी वजह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट किस प्लांट की या किस फ्लावर की एवोल्यूशन है। हो सकता है कि पहले जो एंसेस्टर प्लांट था वो डिफरेंट हो, जो एवोल्यूशन से हो वो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट हो, तो किस तरह पता चलता है कि ये प्लांट उस प्लांट्स के एंसेस्टर थे। तो इसी बेस पे वो काफी ज्यादा इसको डीपली स्टडी करते हैं, इसके एस्टिमेशन हो गए, थैलेमस हो गए, उसके एक एक पार्ट्स को मॉर्फोलॉजिकली उसको कवर करते हैं। सो हमारा लेक्चर एवोल्यूशन पर तो नहीं है, लेकिन हमारा लेक्चर है एस्टिमेशन पे, तो हम अपनी एस्टिमेशन पे फोकस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखते हो, हमारे पास एस्टिमेशन की फाइव टाइप्स होते हैं। एक वॉलवे एस्टिमेशन जिसको हम ओपन एस्टिमेशन भी कहते हैं, सेकंड ट्विस्टेड एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, क्विनेंशियल एस्टिमेशन और वेक्सिलरी एस्टिमेशन, जिसमें देखें आपको सेपल या पेटल की अरेंजमेंट डिफरेंट नजर आ रही है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो कैलिक्स एंड क्रोला के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं मोस्टली, तो उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, अगर कैलिक्स और क्रोला दोनों कोलेक्टिवली हो, उनको हम डिफरेंशिएट ना कर सकें, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरियंथ ही। नेक्स्ट पॉइंट है द पेरेंट ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर दैट बिलोंग्स टू द मालवेसी फैमिली एंड शो वॉल्वेज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं वो मालवेसी फैमिली के ही मेंबर हैं। हिबिस्कस फ्लावर्स मोस्टली आपको डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, और इसमें जो पेरेंट आपको मोस्टली शो होगी वो वॉल्वेट एस्टिवेशन या ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगी। तो हम इसको अभी नेक्स्ट कवर करते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज होते हैं पेरेंट के बाद होते हैं पॉलीफाइलस। पॉलीफाइलस क्या होगा, इफ द लीव्स ऑफ द पेरेंट आर फ्री। पोली मीन्स होता है फ्री, फाइलस मीन्स जो लीफ हमारे पास होंगे, अगर इसके लीफ फ्री हो तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं पोली फाइलस की। अगर हमारे पास लीफ जो हो वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो पेरियंथ के, तो हम उसे कहेंगे गैमोफाइलस, इट इज कॉल्ड गैमोफाइलस। तो अगर आप इससे डायग्राम में देखें तो इसमें आपको जो सेपल्स और पेटल नजर आ रहे हैं, देखिए ये आपको जो कलर फॉर्म नजर आ रहे हैं ये पेटल्स हैं, और ये आपको ग्रीन टाइप में नजर आ रहे हैं ये सेपल है, जिसको हम कैलिक्स एंड क्रोला कहते हैं। तो देखें ये आपको पेरेंट्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये देखें यहाँ से बिल्कुल अटैच है फूली, इसका एक हाफ पार्ट समझ लें आप ग्रीन समझ लें, ऊपर वाला पार्ट है वो कलरफुल है। तो इस फॉर्म में जब ये फ्यूज फॉर्म में होंगे तो हम गैमोफाइलस की टर्म यूज करेंगे। ये वो तीन टर्म थी जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलिक्स और क्रोला का एक साथ जिक्र आया, तो इसके लिए जो तीन टर्म्स मेन हमारे पास बनती है तो हम इसको कवर करेंगे। तो प्लांट सिस्टमेटिक्स की जितनी भी टर्म्स हम यूज करेंगे उसको हम एक अलग प्लेलिस्ट टर्म ऑफ बॉटनी में हम इसको कवर करेंगे, ताकि जितने भी हमारे फैमिलीज या कोई भी हम ब्रायोफाइट ट्रिटोफाइट्स कोई भी प्लेलिस्ट स्टार्ट करें या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ताकि उसमें जितनी भी टर्म यूज होनी है वो आप अलग से पहले आपको उसका कंसेप्ट होना लाजमी है, तो हम उसको कवर करेंगे अलग प्लेलिस्ट टर्म्स ऑफ बॉटनी में। तो हमारे पास मेन फाइव टाइप्स की एस्टिमेशन थी। फर्स्ट वन वॉल्वेट थी, उसके बाद ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सरी एंड क्विनेंशियल। तो फर्स्ट वन हमारे पास है वॉल्वेट एस्टिमेशन क्या होती है, इसकी फर्स्ट हम डेफिनेशन को देखते हैं। वॉल्वेट इज ओपन एस्टिमेशन दैट मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट पेटल्स और सेपल्स टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये वॉल्वेट एस्टिमेशन नजर आ रहा है, जिसको हम ओपन एस्टिमेशन भी कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये टच होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये हल्के से टच होंगे, टच कहाँ से होंगे, ये थोड़ा सा इन साइड पे यहाँ से टच होंगे। अगर आप इसमें देखें इसकी कैलोट्रॉपिक जो एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको देखें यहाँ से तो मार्जिन आपको टच होते हुए नजर नहीं आ रहे ना, यहाँ से टच होंगे, हल्का सा टच होंगे,
और मोस्टली आपको ओवरलैप नजर नहीं आएंगे, आपको ओपन एस्टिमेशन नजर आएगी, यानी ओपन नजर आएंगे। जैसे आपको ये फ्लावर देखें, ये आपको ओपन नजर आ रहा है, इसमें जो ये आपको ये पेटल नजर आ रहे हैं, ये आपको ओपन फ्रीली नजर आ रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा टच भी होंगे, इनके माध्यम हल्का सा एक दूसरे को टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पेटल है, तो दूसरा पेटल इसको इस तरह ओवरलैप करेगा, इस तरह कभी भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे मीट द एजेस, देयर फॉर वेलवेट एस्टिमेशन इज रिफर टू द ओपन एस्टिमेशन। इसके जो एजेस होते हैं, छोटे से किनारे होते हैं, छोटी सी साइड से दूसरे जो सेपल्स होगा उसको टच कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम इसको कहते हैं ओपन एस्टिमेशन। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी मस्टर्ड, एनोना एंड कैलोट्रॉपिस फ्लावर। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये कैलोट्रॉपिस फ्लावर की है। नेक्स्ट टाइप है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन क्या होता है, अगर हम पहले इस डायग्राम में देखें, तो इसमें आपको एक जो सेपल्स होगा उसका एक मार्जिन इनसाइड पे नजर आएगा और दूसरा मार्जिन आउटसाइड पे नजर आएगा। फिर नेक्स्ट देखें, उसका मार्जिन एक साइड में नजर आएगा तो दूसरे का आउटसाइड पे। सेम एज इट यही अरेंजमेंट होती है कि एक मार्जिन इनसाइड, दूसरा आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिमेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। एवरी पेटल और सेपल इज आउटसाइड ऑफ इट्स नेबर ऑन द मार्जिन एंड इनसाइड ऑफ इट्स नेबर ऑन द अदर मार्जिन। एक के इनसाइड हो, दूसरे के आउटसाइड हो। और इस तरह की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन होगी रेगुलर। मीन कि अगर वो इस फॉर्म में है कि क्लॉकवाइज में इस तरह की फॉर्म में आ रही है, लेकिन वो होगी तरतीब के साथ ही प्रॉपर डायरेक्शन में, कि एक इनसाइड और आउटसाइड के। तो हमारे पास की जो एग्जाम्पल आती है वो होते हैं लेडी फिंगर, कॉटन एंड हिबिस्कस फ्लावर। लेडी फिंगर की बात करें तो ये आपको डायग्राम लेडी फिंगर की नजर आ रही है। तो इसमें अगर आप जरा फोकस करें तो आपको ये जो मार्जिन है ये आपको इनसाइड आउटसाइड नजर आ रहा है, और ये जो मार्जिन है ये इनसाइड पे जा रहा है। इस मार्जिन को देखें तो ये आउटसाइड है और ये मार्जिन नीचे की तरफ इनसाइड जा रहा है। तो सेम एज इट ये पूरी जो अरेंजमेंट है ये ट्विस्टेड एस्टिमेशन कहेंगे, जो कि तरतीब के साथ है, एक इनसाइड है दूसरा आउटसाइड है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, इसमें आपको कोई प्रॉपर रेगुलर एस्टिवेशन यानी अरेंजमेंट नजर नहीं आएगी, इसमें रैंडमली सेपल्स और पेटल्स अरेंज होंगे। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन को देखते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अकर्स व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप विदाउट ए क्लियर डायरेक्शन। ओवरलैप करेंगे लेकिन विदाउट किसी डायरेक्शन के, रैंडमली होंगे। क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन में, इसके जो सेपल्स और पेटल्स होंगे वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे रैंडमली। तो इसमें आप डायग्राम में देखें तो आपको हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको दोनों मार्जिन जो नजर आ रहे हैं वो इनसाइड है, फिर आपको ये दो मार्जिन हैं एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, फिर आपको देखें एक इनसाइड आउटसाइड, फिर ये जो दो मार्जिन हैं ये दोनों आउटसाइड में है, फिर ये जो मार्जिन है ये ट्विस्टेड फॉर्म में, एक इनसाइड हो रहा है एक आउटसाइड हो रहा है। तो ये आपको कोई एक फॉर्म नजर नहीं आ रही, एक अरेंजमेंट नजर नहीं आ रही, या वो ओपन भी नहीं है ना वो ट्विस्टेड है, वो सारी डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो सारी प्रेजेंट है, वो रेंडमली प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो हमारे पास एस्टिवेशन होगी उसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहेंगे। तो इस तरह की जो भी आप है ना, आप इसको फिजिकली भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके आपके घर में कोई गमले वगैरह हैं या कहीं पर कोई भी आपको फ्लावर नजर आता है, तो आप उसके फ्लावर को देखें कि वो कौन से एस्टिवेशन में है, वो इम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है, ओपन है। तो आप ये तो इजिली कवर कर सकते हैं, वो चीजें जो आप फिजिकली कहीं पर इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी कासिया, गुलमोहर एंड पाइसम। अगर हम इस डायग्राम में देखें कासिया की बात करें, तो आपको ये फ्लावर नजर आ रहा है येलो कलर का, तो ये हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखो आपको एक आउटसाइड, ये इनसाइड पे जा रहा है, ये वाला एक आउटसाइड जा, एक इनसाइड पे जा रहा है। फिर ये देखें इसके दोनों पार्ट्स हैं वो आउटसाइड है, फिर ये एक मुकम्मल इनसाइड हो गया, ये ट्विस्टेड फॉर्म होगा। इस तरह की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इमीडिएट एस्टिवेशन को आप किस तरह याद रख सकते हैं कि एक इनसाइड होगा एक आउटसाइड होगा, तो आप इसको एक शॉर्ट कोड से याद रख सकते हैं, 1 + 1 + 3। जो 1 होगा एक इनसाइड, 1 एक आउटसाइड, जो 3 होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म भी होंगे। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है उसको तो याद रखना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वो तो आपको आइडिया कि एक इनसाइड है जो होगा एक आउटसाइड होगा। तो ओपन भी आपको ईजी है कि वो ओपन होगा, जस्ट उसके जो मार्जिन होंगे वो हल्का सा टच कर रहे होंगे। तो इमीडिएट को आप इस तरह याद लाजमी कर लीजिएगा, ये वो कॉन्सेप्ट मतलब भूल जाता है। 1 + 1 + 3, 3 एस्टिवेशन है, 1 जो है वो इनसाइड है, उसके दोनों एजेस जो आउटसाइड है वो भी एक प्रेजेंट है सैंपल। तो इसके एग्जांपल हमारे पास कासिया, गुलमोर एंड पाइसम आ जाती है। फोर्थ टाइप है क्विनेंशियल एस्टिवेशन। क्विनेंशियल एस्टिवेशन क्या होता है, जिसमें जो दो पेटल्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं, दो पेटल्स आउटसाइड होते हैं, एक ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। यानी हम कह सकते हैं इसकी जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो होगी 2, उसके बाद हमारे पास प्लस 2, फिर हमारे पास प्लस, फिर 1। यानी दो इनसाइड होंगे,
दो आउटसाइड होंगे और एक ट्विस्टेड फॉर्म होगा। इस फॉर्म की जो हमारे पास एस्टिमेशन होगी उसे हम क्विनेंशियल कहेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। टू पेटल्स आर कंप्लीटली इनर, टू कंप्लीटली आउटर एंड वन इज ट्विस्टेड, यानी 2 + 2 + 1। याद रखिएगा इम्बरीकेट थी 1 + 1 + 3, ये है 2 + 2 + 1। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसके हमारे पास गुआवा एंड डेलोनिक्स। तो गुआवा की अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपको गुआवा के प्लांट की डायग्राम नजर आ रही है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको ये जो हमारे पास सेपल नजर आ रहा है ये बिल्कुल आउटसाइड है, फिर आपको जो है ये एक इनसाइड नजर आ रहा है, ये आपको फिर एक आउटसाइड नजर आ रहा है, फिर ये आपको एक ट्विस्टेड फॉर्म नजर आ रहा है, फिर आपको एक इनसाइड नजर आ रहा है। मींस के दो इनसाइड दो आउटसाइड है, एक ट्विस्टेड फॉर्म है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसको पेपिलियोनेसी एस्टिवेशन भी कहते हैं। जो हमारे पास फैमिली फैबेसी है जिसको लिग्यूमिनेसी भी कहते हैं, लेकिन आईसीएन ने उसका नाम चेंज कर दिया था क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा था आईसीएन के रूल्स को, इसलिए उसका लिग्यूमिनेसी नाम से चेंज करके फैबेसी रख दिया गया। तो फैबेसी को इसलिए रखा गया क्योंकि जो फैमिली होता है उसके वर्ल्ड में लास्ट में एसी आना चाहिए, ये रूल्स था आईसीएन का, तो इसी वजह से फैबेसी रखा गया लिग्यूमिनेसी को रिमूव करके। तो ये जो एस्टिवेशन है ये फैबेसी फैमिली में है। फैबेसी में हमारे पास मेनली इसको तीन फैमिलीज भी आ जाती हैं, पेपिलियोनेसी, सिसलपिनेसी और मिमियोसी। तो जो पेपिलियोनेसी है इसमें जो एस्टिवेशन होती है वो कौन सी होती है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो इसमें 5 पेटल्स होते हैं। तो फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द लार्जेस्ट पेटल, जिसको हम स्टैंडर्ड या वेक्सिलम भी कहते हैं, ओवरलैप द टू लार्जेस्ट पेटल्स, ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स, पेटल जो होंगे लेटर्स को हम विंग्स कहेंगे, विच फर्दर ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जिसको हम कैरिना और कील भी कहते हैं। अब देखें फर्स्ट वन एक पेटल है, उसने ओवरलैप किए हुए 2 पेटल्स को, उन 2 पेटल्स ने मजीद ओवरलैप किए हुए 2 को। जो फर्स्ट वन पेटल है लार्जेस्ट है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। आप इस डायग्राम में पहले फर्स्ट वन, तो इसमें देखें आपको एक लार्जेस्ट पेटल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद इसने ओवरलैप किए हुए नीचे वाले स्मॉल 2 को, लेटरल को, इसको हम कहते हैं विंग्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन 2 आते हैं, इसको हम कहते हैं कील भी कहते हैं और कैरिना भी कहते हैं। तो इस तरह की आपको जो मोस्टली नजर आएगी वो इसके एग्जाम्पल में आएगा पी और बीन प्लांट्स को। तो इसमें आप देखें आपको ये नजर आ रहा है, इसमें एस्टिवेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रहा है, उसके बाद ये आपको विंग नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको जो लास्ट वन आपको नजर आ रहा है ये कील यानी कैरिना नजर आ रहा है। तो इस डायग्राम में भी आपको क्लियर शो हो रहा है। तो इस टाइप की जो हमारे पास एस्टिवेशन होगी उसको हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहेंगे। आज के लेक्चर में हमने एस्टिवेशन को कवर किया, एस्टिवेशन के साथ 3 टर्म्स को कवर किया जो कि कैलिस और कोरोला के रिलेटेड थी। उसके बाद एस्टिवेशन की मेजर जो 5 टाइप्स थी हमने उसको कवर किया है, जो कि नेक्स्ट हमें हेल्प आउट करेंगे फैमिली को समझने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेफरेंस में आपको जितनी भी बुक्स दी गई होती है या जितने भी आपको लिंक्स या डाटा होता है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए या नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।